जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे 24 जून 2022 का मकर का राशिफल लेकर के आया हूँ। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, मैं आपको ये बतलाऊँगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना आपको दे देता हूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। डायरेक्ट कॉल न करें, पहले मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज के दिन 24 तारीख को राशि से चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ में रहने वाली है। आज का भी दिन आपके लिए कम से कम 70% पॉजिटिव और 30% में नेगेटिव रहने वाला है। आज चतुर्थ भाव का जो चंद्रमा होता है वो शुभ नहीं माना जाता है। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन तीन भावों में बैठा चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। और आप मकर राशि वालों पर 7:30 के इस कंडीशन में चंद्रमा की यह स्थिति शुभ नहीं है, फिर भी आपका बचाव होता रहेगा। आज आपको परिस्थितियाँ थोड़ी झुंझलाने वाली मिलेंगी। आज आपका खुद के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रह पाएगा। कई बार आप डिस्टर्ब होते हुए दिखाई पड़ेंगे और आपका अपना अपने ऊपर से अपना आपा खोता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज आपके जो काम हैं, चाहे वो घरेलू काम हो या बिजनेस हो, इन सभी में आप बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ हद तक आप सफल भी रहेंगे, परंतु रुकावटें बाधाएं आज ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी। घर के किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा आपको शाबाशी मिल सकती है। घर के लोगों का सपोर्ट आपको ज़रूर रहेगा, लेकिन बाहर में आपके जॉब स्थल पर या व्यापार स्थल पर जो आपके सहकर्मी हैं, सहयोगी हैं या बॉस हैं, थोड़ा सा उनका व्यवहार आज आपको बदला हुआ दिखेगा, या फिर आप उनके व्यवहार से खींच सकते हैं, लेकिन खींचने की स्थिति में आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, कुछ अनाप शनाप बोलना नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आज की स्थिति पूरी तरह सकारात्मक नहीं है। आज पढ़ाई लिखाई स्टडी में आपका मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है, अतः आज आप सरस्वती चालीसा का पाठ करें, सरस्वती माँ की आराधना करें, इससे आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। जहाँ तक लव रिलेशनशिप की बात है तो लव रिलेशनशिप में भी स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल आज नहीं दिख रही है। एक दूसरे को समझने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। स्थितियाँ छोटी मोटी बातों पर खराब जैसी हो सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करके किसी तरह से आप उसे संभाल लेंगे, समझा देंगे और बात को बिगड़ने से बचा देंगे। कुल मिला जुला करके रिलेशनशिप के मामले में आज अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहेगा। आपको खुद से ही ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, सामने वाले से ज़्यादा उम्मीदें न लगाइएगा। आज लाभ की स्थिति ज़्यादा नहीं बन रही है, क्योंकि चतुर्थ का चंद्रमा है। आज के दिन होगा क्या कि लाभ मिलता हुआ आता हुआ दिखेगा, लेकिन उसे छीनकर कोई और ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। तो आज के दिन थोड़ा धैर्य रखना है और धैर्य रख करके आज का दिन आपको बिताना है, ठीक है। आज का शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग का प्रयोग करें, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी और शुभ अंक है 3, ठीक है। तो लास्ट में मैं फिर से एक बार कह देता हूँ कि यदि आपको मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8540096730, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।